जय माता जी की हुक्म। जय माता जी शाह। पहले आप अपना परिचय दिलाए हुक्म। नारायण सिंह मारा नाम है। अच्छा, कौन सा गाँव हुक्म? गाँव रेवतड़ा सा, रेवतड़ा जिला जालोर। अच्छा, तो ये हुक्म आपके पास अभी जो घोड़ा है, अच्छा, इसका क्या नाम है हुक्म? दिलखुश। दिलखुश, तो इसका दिलखुश का डिटेल क्या है हुक्म? इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है? बाप दिलबाग है, पोसाना। दिलबाग पोसाना, जो अभी पंजाब में है। दिलबाग जो रणिया में है ना, वही घोड़ा? वही घोड़ा। अच्छा, और इसकी माँ की डिटेल? माँ पंकज की बहन। अच्छा, पंकज जो फेमस घोड़ा है, हाँ, उसकी बहन। वो भी तो आपके यहीं से तो निकला घोड़ा। अच्छा, अभी वो कहाँ पे है? मतलब बेचती है अभी। कहाँ पे? पंजाब गया नहीं तो आपने किसको बेचा था? नहीं तो बंटी भाई पिंडवाड़ा होगा। अच्छा, बंटी भाई पिंडवाड़ा को बेचा और वहाँ से पंजाब गया। अच्छा, तो ये पंकज का मतलब क्या लगता है? ये भणेजे होगा। अच्छा, पंकज की बहन का बेटा है। बहन का बेटा है। तो अभी इसकी उम्र क्या है हुक्म? 3.5 साल। अच्छा, 3.5 साल है। अच्छा, तो अभी आपने ये मतलब स्टेलियन के लिए तैयार किया होगा? हाँ सर, तैयार किया। तो अभी अभी घोड़ियों पे इसको खोला आपने? हाँ, खोला ना, अभी स्टार्ट किया होगा। अच्छा, तो इसका कोई रिजल्ट भी आया होगा? अभी तक आया नहीं। अच्छा, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, तो आने वाला है मतलब? आने वाला है, घोड़ियाँ इससे सुबर हुई है। हाँ जी। अच्छा, और इसकी हाइट क्या होगा? 63 होगा। 63। अच्छा, और मार्किंग इसकी हो गई, एक पाँव वाइट है ना? हाँ, अगला। अच्छा, अगला मतलब लेफ्ट साइड वाला पाँव हुआ। अच्छा, ऊपर ये पट्टा है। हाँ जी, ब्लेज। हाँ जी। तो ये हुक्म घोड़ा पालन आप कब से करवा रहे हो? 20 साल से हुक्म। 20 साल से? हाँ सर। अच्छा, तो ये अपने जो आपने अभी ये दिलखुश रखा है दिलबाग का, अच्छा, तो ये सेल के लिए थोड़ी रखा आपने, मतलब घर के लिए स्टेलियन बना तैयार किया? हाँ, घर के लिए तैयार। अच्छा, क्योंकि आपके पास और भी तो घोड़ियाँ वगैरह है? हाँ, घोड़ियाँ है ना। अच्छा, एक पंकज की बछेरी है, 15 महीना हुक्म। अच्छा, पंकज की बछेरी भी है? हाँ, एक उसकी भौने जी है बछेरी। अच्छा, एक ठाण दिया हुआ। अच्छा, एक ठाण दिया हुआ। अच्छा, पंकज का एक ठाण अभी भी आपके पास है? ऐसा। अच्छा, बहुत ही अच्छा घोड़ा होगा। वैसे जालोर में तो आपको एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे घोड़े हैं। हाँ, राग है पशुपालन का।